बिजनौर में एक बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई की मामूली बात को लेकर हत्या कर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और सबूत मिटाने के लिए लाश को आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में हत्या आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 23 मई को बिजनौर के सेवहारा थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर गढ़ी में तालाब के किनारे एक युवक पंकज की अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधजली लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और हत्या की जांच में जुट गई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में मामला चौंकाने वाला सामने आया है। इसी कड़ी में पुलिस ने अधजली लाश को मिलने के मामले में उसके सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी बिजनौर ने प्रेस वार्ता कर इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी सगे भाई अशोक ने अपने छोटे भाई की मामूली बात को लेकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि छोटा भाई पंकज मंदबुद्धि था और आए दिन लड़ाई झगड़ा करता था, साथ ही उसका सम्मान नहीं करता था, जिसके कारण उसने अपने भाई की ब्लेड से नुकसान पहुंचाकर हत्या कर दी। बाद में उसके शव को सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। सिवहारा के मुबारकपुर गढ़ी गांव में 23 तारीख को एक नवयुवक 20-22 साल के बच्चे का शव मिला था। अधजली अवस्था में अज्ञात था। पुलिस ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई। बाद में उसकी पहचान वहीं का पंकज नाम के व्यक्ति से हुआ। अनावरण हुआ तो मालूम हुआ कि उसका सगा बड़ा भाई अशोक ने उसको चोट पहुंचाया, जिसमें ब्लेड से चोट पहुंचाना उसने कबूल किया, फिर पत्तियों से जला दिया सिनाक छिपाने के लिए। हत्या का कारण उसके द्वारा जो बताया गया कि वो मंदबुद्धि था, लड़ता झगड़ता था, उसका सम्मान नहीं करता था, मामूली बात को लेकर के भाई ने भाई की जघन्य रूप से हत्या की। नई मंसारी बिजनौर। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।